नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इस सीरीज का टोटल कलेक्शन कितना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई सन 2010 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना रनावत, प्राची देसाई, रणदीप हुड्डा, नावेद असलम, आसिफ बसरा, सुमित कौल और अवतार गिल नजर आए थे। इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डायरेक्ट किया था, ऐसे प्रोड्यूस किया था एकता कपूर और शोभा कपूर ने, और इस फिल्म की कहानी रजत अरोरा ने लिखी थी और इस फिल्म के लिए म्यूजिक प्रीतम ने दिए थे। इस फिल्म को कुल 1400 स्क्रीन्स के साथ 30 जुलाई सन 2010 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 58 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 5 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 34 करोड़ 56 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 85 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2010 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा सन 2013 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, इमरान खान, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाली बेंद्रे, सरफराज खान, महेश मांजरेकर, अभिमन्यु सिंह, कुरुश दीबो, पितुवेश त्रिपाठी, चेतन हंसराज, सूफी चौधरी और टीकू तलसानी नजर आए थे। इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने डायरेक्ट किया था, इसकी कहानी रजत अरोरा ने लिखी थी और इस फिल्म को एकता कपूर और शोभा कपूर ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के म्यूजिक प्रीतम और अनुपम अमोद ने दिए थे, इसके लिरिक्स रजत अरोरा ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 2300 स्क्रीन के साथ 15 अगस्त सन 2013 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 85 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 61 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 10 करोड़ 23 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 48 करोड़ 54 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 97 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2013 की 13वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई सीरीज का टोटल नेट कलेक्शन 119 करोड़ 50 लाख होता है तो टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 182 करोड़ होता है। दोस्तों, आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।